पावर, हीलिंग पावर तो आपने भी सुना होगा कि हमारी बॉडी, चाहे जानवरों की बॉडी हो या हम लोगों की बॉडी हो, अपने आप को खुद हील करती है। लेकिन अब क्या है कि हम उस हीलिंग पावर पे विश्वास नहीं करते हैं, हम दवाइयों पे विश्वास ज्यादा करते हैं जिससे कि वो पावर कम। तो मैं विभा हेल्पफुल वे पे आप लोगों का स्वागत करती हूँ। हमारे अंदर भी हीलिंग पावर है, लेकिन हम टाइम ही नहीं देते हैं अपनी बॉडी को हील होने। दवाइयाँ पे दवाइयाँ खाते रहते हैं तो हम दवाई पे ही निर्भर रह गए हैं, जिससे हीलिंग पावर कम हो गई है। तो अपनी हीलिंग पावर को कैसे आप बढ़ाएं? एक बुक है, एनाटॉमी ऑफ इलनेस। इस बुक में हीलिंग पावर के बारे में सब कुछ बताया गया है कि एक इंसान कैसे अपने आप को बिना दवाइयों के हील कर सकता है, ठीक कर सकता है बड़ी बड़ी बीमारियों से। कैंसर हो, डायबिटीज हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, उन सबको वो खुद अपने आप ठीक कर सकता है। विश्वास नहीं हो रहा होगा आपको, लेकिन यही सच है। आप इस बुक को कभी मौका मिले तो जरूर पढ़ें, इसमें यही बताया गया है। इसके जो राइटर हैं, नॉर्मन काजल, बहुत भयानक बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी बीमारी को खुद ठीक किया। डॉक्टरों ने उनको कहा कि उनकी ये बीमारी कभी भी ठीक नहीं होगी, लेकिन उन्होंने अपने हीलिंग पावर को इम्प्रूव किया। वो हॉस्पिटल में थे और उनके दोस्त उनसे रोज मिलने आते थे। फिर वो कॉमेडी शो देखते थे, वो कार्टून की मूवियाँ देखते थे जिससे वो बहुत हंसते थे। जब वो बहुत हंसते थे तभी उनकी बॉडी हीलिंग प्रोसेस में जाती थी, यानी बॉडी हील करती थी। हंसने से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन बहुत अच्छे से फ्लो करती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिससे हमारी हीलिंग पावर बढ़ती है। इसका एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि हड्डी हमारी टूटती है तो क्या वो दवाई से जुड़ती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हड्डी टूटती है तो हम प्लास्टर क्यों लगाते हैं? प्लास्टर इसलिए लगाते हैं कि वो एक जगह पे रहे, उसका मूवमेंट कम हो जाए। जब मूवमेंट कम होगा, जब पैर में हमारा हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं, तो हड्डी जुड़ जाएगी। या कहीं से भी ब्लड निकलता है तो हम क्या करते हैं, वहां पे उसको दबा के रखते हैं। जब दबा के रखते हैं, ब्लड अपने आप ही निकलना बंद हो जाता है। तो ये है हीलिंग पावर। पहला कि हमें खुश रहना है, हमें हंसना है, जिससे हीलिंग पावर बढ़ती है। हमें देर रात तक खाना नहीं खाना चाहिए। पूरे दिन भर की जो टूट फूट होती है उसकी वो रिपेयरिंग रात में करती है, और हम अगर 12 बजे खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी रिपेयर का काम नहीं करेगी, क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी एक काम दे दिया है, डाइजेशन का, पचाने का। वो काम करेगी, यानी हमारी बॉडी में जो भी आज टूट फूट हुई है उसका रिपेयर नहीं हुआ है। एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास कोई गाड़ी है, चलाते जाएंगे और उसकी सर्विसिंग नहीं कराएंगे तो क्या होगा? एक दिन गाड़ी चलना बिल्कुल बंद। तो ऐसे ही हमारी बॉडी है। अगर हम समय से नहीं सोएंगे और खाना हम बहुत देर में खाएंगे तो हमारी बॉडी हीलिंग नहीं कर पाएगी, यानी टूट फूट हो रही है, नेक्स्ट दिन फिर टूट फूट हो जाएगी हमारी बॉडी में, लेकिन वो हील नहीं हो पाएगा, रिपेयर नहीं हो पाएगा, तो बीमारियां आना शुरू हो जाएंगी। जब बॉडी हील नहीं होगी, रिपेयर नहीं होगी, हमारी इम्यूनिटी लो हो जाएगी और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं रहेगा, तो जितनी भी बीमारियां हैं सब धीरे धीरे घर कर जाए। हमको समझना पड़ेगा इसको, हमारी बॉडी को टाइम देना पड़ेगा, समय से खाना खाना होगा, जिससे कि रात में हमारी बॉडी रिपेयर हो सके। जब बॉडी रिपेयर होने लगेगी, अच्छे से काम करने लगेगी, तो कोई भी बीमारियां फटकेंगी नहीं हमारे पास, हमें दवाई की आदत नहीं लगेगी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, फॉलो करें, और जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दें।